नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF न्यूज में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। हमारे कॉलेज का एनुअल फेस्ट ही हमारे लिए खौफनाक बन गया। कैंपस में बाहर से लोग गेट बांध कर अंदर घुसे। कई अधेड़ उम्र के लोग हमारा शारीरिक शोषण कर रहे थे। कुछ ने तो मास्टर बेट यानी कि हस्त मैथुन तक कर दिया। दोस्तों, मामला बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक जाने माने कॉलेज गार्गी कॉलेज में हुआ, जो देखते ही देखते ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि संसद तक में छा गया। वरना हमारे देश में अमूमन ऐसा कम ही होता है कि छेड़छाड़ की घटना की चर्चा संसद में हो। लेकिन मामले में महिला आयोग से लेकर हर जगह खलबली है। दिल्ली पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई। दरअसल दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज की एक परंपरा है जिसे फेस्ट के नाम पर मनाया जाता है। साल के कुछ खास दिनों में, खासतौर पर वैलेंटाइन डे के मौसम में, ये जलसा कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जमकर युवाओं के बीच जमकर मस्ती होती है, म्यूजिक होता है और होता है ढेर सारा फन। और ऐसी ही एक मस्ती और फेस्ट की शाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज, जो कि लड़कियों का कॉलेज है, जहाँ इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। और अब बताया जा रहा है कि यही हुआ छेड़छाड़ का वो भयानक तांडव, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं। दोस्तों, ये वैसा ही है जैसे कि पिछले दिनों बैंगलोर की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुआ था, जहां लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। गार्गी में क्या हुआ वो भी बताते हैं। दोस्तों, बात 6 फरवरी की शाम की है। अपने कॉलेज फेस्ट रोबरी में, रोबरी जो कि फेस्ट का नाम है, यहाँ जुबीन नौटियाल की परफॉर्मेंस देखने के लिए लड़कियाँ पहुँची थी। स्टूडेंट्स का कहना है कि फेस्ट में 3 बजे के बाद भीड़ बढ़ती चली गई और कई ऐसे लोग अंदर घुसे जो बस लड़कियों को छेड़ने और परेशान करने के मकसद से अंदर आए थे। स्टूडेंट्स ने इसे लेकर क्या कहा वो भी जानिए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि इस प्रोग्राम के लिए पास मिले थे, मगर कई लोग बिना पास के बेधड़क अंदर आए। 4 से 6 फरवरी तक ये फेस्ट लड़कियों के गार्गी कॉलेज में था। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सिर्फ आखिरी दिन ही नहीं बल्कि पहले दिन से छेड़छाड़ का ये खेल चलता रहा। बी ऑनर्स की एक स्टूडेंट कहती है, कुछ लोगों ने मुझे और मेरी दोस्त को गलत ढंग से छुआ, वो अश्लील इशारे कर रहे थे, मैं चिल्लाई तो वो हंसने लगे। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये इतना खौफनाक था कि कुछ लड़कियां रो रही थी, कुछ को तो पैनिक अटैक तक आ गया। ये लोग कॉलेज का गेट फांद कर अंदर घुसे, वो भी तब जब पुलिस, कॉलेज सिक्योरिटी, बाउंसर सभी थे, पर मदद किसी ने भी नहीं की। कॉलेज की एक और स्टूडेंट कहती है, भीड़ बढ़ते जा रही थी, मेन ग्राउंड में इस भीड़ को क्रॉस करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा था। सिक्योरिटी ने ना पास चेक किए, ना स्टूडेंट्स आईडी, किसी को भी किसी भी गेट से एंट्री मिल जा रही थी। प्रशासन और सिक्योरिटी की इसी लापरवाही और बेफिक्री के बीच तकरीबन 30 से 50 साल के पुरुष भी कॉलेज में घुस गए। ये थर्ड की एक स्टूडेंट बताती है, सैकड़ों लोग थे पर क्राउड मैनेजमेंट नहीं था। इनमें से 200 से 300 लोग सिर्फ लड़कियों को परेशान करने पहुंचे थे। गौर कीजिए, 200 से 300 लोग, और इसलिए इसे मास मोलेस्टेशन कहा जा रहा है। आगे की कहानी और डराने वाली है। लड़कियां बताती है कि कई ने शर्ट के बटन खोले तो कुछ ने शर्ट ही खोल दिया, कुछ ने मौका पाकर मास्टरबेट तक किया। दोस्तों, घिन आती है ऐसे लोगों पर, लेकिन क्या हुआ वो भी जानना जरूरी है। बताया जा रहा है कि एक दो ने लड़कियों पर पैसे भी फेंके। लड़कियों का कहना है कि वो हमें गलत जगह छू रहे थे, धक्का मार रहे थे, अंदर पुलिस तैनात थी, हमने मदद मांगी पर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस वजह से कई लड़कियों ने 6 बजे के बाद निकलना शुरू किया। मैं खुद सह नहीं पाई और बाहर पहुंची, जहां एक PCR वैन भी खड़ी थी। आगे गार्गी कॉलेज की एक थर्ड ईयर की स्टूडेंट कहती है, मैंने कुछ लड़कियों को बदहवास सा देखा, दो लड़कियों को तो चक्कर आ गया। मैंने ये भी सुना कि कुछ बदमाश वॉशरूम के बाहर तक पहुंचे और बाहर से कुंडी लगा दी। लड़कियां घबरा कर रो रही थी। कुछ लोगों ने लड़कियों का पीछा तक किया ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन तक, जो कि गार्गी कॉलेज से काफ़ी दूर है। और दोस्तों, ये सारा तांडव हुआ देश की राजधानी में, वो भी तब जब निर्भया के दोषियों का मामला सामने आया है। तो अब भी क्यों नहीं डरे महिलाएं और बच्चियां, आप ही बताएं। दोस्तों, इसे मास मोलेस्टेशन कहा जा रहा है, मतलब लड़कों की एक भीड़ सी लड़कियों पर टूट पड़ी। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और HFF न्यूज़ जो जल्द बनने जा रहा है, दी HFF अड्डा, उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।